श्री साई सेवा संस्था के द्वारा बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर कालीबाड़ी स्थित साई मंदिर का 17वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया तथा साई बाबा की भव्य पालकी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिला पुरुष एवं बच्चों ने भाग लिया। इस शोभा यात्रा के मुख्य अतिथि पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक चंद्रवीर रमन ने साई बाबा मंदिर में आरती किया तथा साई बाबा की पालकी तथा शोभा यात्रा को अपने हाथों से शुभारंभ किया, जिसके संबंध में कालीबाड़ी मंदिर के महंत रविन्द्र दास ने बताया कि साई बाबा की शोभा यात्रा बसंत पंचमी के दिन 17वां शोभा यात्रा निकाला गया। जब से साई बाबा का शोभा यात्रा निकलना शुरू हुआ है, तब से जनता और साई बाबा के बीच विश्वास बनता जा रहा है। इस शोभा यात्रा में प्रतिवर्ष 2000 से 3000 की संख्या में श्रद्धालुओं की बढ़ोतरी होती है। शोभा यात्रा में करीब 4000 के ऊपर श्रद्धालुओं ने भाग लिया। झांकी कीर्तन के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। उन्होंने बताया कि यह शोभा यात्रा कालीबाड़ी मंदिर से निकलकर रीति चौक, घंटाघर, मदरसा चौराहा, लाल डिग्गी, मिर्जापुर, बख्शीपुर, घोष कंपनी, टाउन हॉल होते हुए वापस मंदिर पर आकर समाप्त होगी। वही पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक चंद्रवीर रमन ने बताया कि हमें गर्व हो रहा है कि इस शोभा यात्रा में भाग लेने का मौका मिला। यह यात्रा सफल हो और भगवान आशीर्वाद दे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कालीबाड़ी के महंत रविन्द्र दास एवं पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक चंद्रवीर रमन ने कहा, वो मंदिर में दिया जाएगा, मंदिर में, मंदिर में आरती के बाद दिया जाएगा। ये भी लोग हैं, निकाल Thank you.
आज साईं बाबा का स्वभा यात्रा आज 17वां साल चल रहा है। जब से साईं बाबा का स्वभा यात्रा चल रहा है तब से जनता के इतने विश्वास और साईं बाबा के इतने चमत्कार और जनता की आस्था बढ़ते जा रहा है और कम से कम हर एक साल 2000 आदमी बढ़ते जा रहा है। 4000 जनता से ऊपर आज भीड़ है भजन कीर्तन के साथ रथ यात्रा बाबा का झांकी भजन कीर्तन के साथ निकलेगा। फिर शाम को यहां पर नंदी मिश्रा जी का कीर्तन भजन का प्रोग्राम है। 6 बजे से कीर्तन होगा, 12 बजे रात में आरती समापन होगा। अभी जीएम साहब आ रहे हैं, यहाँ पर साईं बाबा का आरती करेंगे और उद्घाटन करके फिर यात्रा चालू होगा साईं बाबा का। कालीबाड़ी मंदिर से रेती, रेती से घंटाघर, घंटाघर से मुद्रा होते हुए लाल दिग्गी से घोष कंपनी से ये बहुत गर्व की बात है कि इस शुभ अवसर में मुझे भाग लेने का मौका मिला। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ यात्रा बहुत ही सफल हो और भगवान हम लोग को आशीर्वाद दें।